में याद हो। चैप्टर फिफ्थ है हमारा एपी। चैप्टर फिफ्थ है एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है इस क्लास में, और ये चैप्टर आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी बहुत बढ़िया है, और कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। आपने जैसे कभी भी कोई क्वेश्चन या कोई टेस्ट दिया हो जिसमें जैसे ऐसे सीक्वेंस देता है वो 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन पूछता है, बताओ यहाँ पे क्या आएगा। तो मेंटल एबिलिटी में आते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे फिर आप क्या कहते हो, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि एक छोड़ के एक आ रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, वन का वन वन का गैप है, तो आपको डेफिनेटली पता चल जाता है कि इसमें कितना आंसर आएगा 9। जैसे उसने अब 3 का मल्टीपल दे दिया 3, 6, 9, 12, 10 फिर दे दिया 18, तो अब आपको क्लियर पता है कि इसमें जो गैप चल रहा है वो कितने का चल रहा है, 3 का। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 15। कितना आएगा भाई यहाँ पे 15। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट नंबर था उससे कितना ग्रेटर है सेकंड नंबर, प्लस 3। उसके अगेन बाद सेकंड नंबर थर्ड और के बीच में कितना गैप है, प्लस 3 से देन नेक्स्ट प्लस 3 एंड प्लस 3। तो यहाँ पे ये वाली हमारी क्या हो जाता था, क्वेश्चन का आंसर 15। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन सभी ने किए भाई, मेंटल एबिलिटी है बिल्कुल भी नहीं की किसी ने। सर करे हैं ना, तो इस टाइप की क्वेश्चन ही हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे भाई। तो यहाँ पे जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक का क्या मतलब होता है, अर्थमेटिक का मतलब होता है कि प्लस, किसी भी नंबर को किसी में प्लस करना। जैसे ये यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन लगा है एडिशन, देन किसी को माइनस करना, तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगा है, सब्ट्रैक्शन का। ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना किसी नंबर को, तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगा है, मल्टीप्लिकेशन। किसी नंबर को डिवाइड करना, तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगा है, डिविजन। तो यहाँ पे अर्थमेटिक हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे। प्रोग्रेशन का मतलब तो क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या मतलब होता है प्रोग्रेशन का, हाँ भाई पता है किसी को प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है, आगे की ओर बढ़ना। जैसे अब हमने कोई नंबर दिया, मैंने कहा 1 से स्टार्ट करो, हमें +2 का प्रोग्रेशन मिला हुआ है, तो +2 का प्रोग्रेशन मिला है तो आप 1 में कितना ऐड करोगे, +2, देन कितना मिलेगा 3 में फिर कितना ऐड करोगे, +2, देन कितना मिलेगा 5 में कितना ऐड करेंगे, +2 तो कितना मिलेगा 7 में कितना ऐड करेंगे, +2 कितना मिलेगा 9। ऐसे चलता रहेगा, ठीक है भाई भूमल, अरे कुछ समझ में। वो जो प्रोग्रेशन है हमारा दो टाइप का हो सकता है, या तो हमारा जो नंबर है वो बढ़ता रहेगा या वो हमारा नंबर डिक्रीज होगा। जैसे मैंने कहा 1, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिला -2, तो उसमें कितना आएगा, फिर -2 करोगे तो कितना मिलेगा, देन हमने -2 ऑपरेशन लगाया फिर कितना मिलेगा, -3। तो यहाँ पे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो डिक्रीजिंग सेंस में है, कैसे है वो डिक्रीजिंग सेंस में, और ऊपर वाले क्वेश्चन में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो इंक्रीजिंग सेंस में है, यहाँ पे हर नंबर इंक्रीज हो रहा है, बट है तो प्रोग्रेशन ही, हम फर्स्ट स्टेप से दूसरे स्टेप पे जा रहे हैं फिर थर्ड पे जा रहे हैं, ऐसे कि हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर, तो ये क्या एक प्रोग्रेशन है। आया कुछ समझ में, यस सर, यस सर।
तो ये तो जस्ट बस ऐसी बेसिक था। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फिफ्थ। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा ध्यान से समझना भाई इसको। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आता है 4 मार्क्स में। चैप्टर फिफ्थ हमारा है, प्रोग्रेशन चैप्टर है एक्चुअली में। प्रोग्रेशन चैप्टर में 2 डिवीजन बने हुए हैं भाई। एक तो है यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हम सिर्फ 10th में अर्थमेटिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है भाई। हमने दो इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है कि प्रोग्रेशन 2 टाइप का है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक। इसमें जो हम प्रोग्रेशन पे बात करेंगे, हम सिर्फ अर्थमेटिक पे करेंगे अपनी क्लास 10th में, और जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे बात होगी वो क्लास 11th में जाके टॉपिक आएगा ये। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर एपी। तो एपी सीरीज के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है सीक्वेंस। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर सीक्वेंस क्या होती है, व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है, मतलब कि जो हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5, क्या ये एक सीक्वेंस है, बताओ भाई क्या ये एक सीक्वेंस हुई या नहीं। Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब क्या है, सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस में चले। जैसे अब हमें कोई कहता है कि आप टर्न बाय टर्न सीक्वेंस में चलो, तो यहाँ पे जो नंबर चल रहे हैं वो सारे नंबर किस में चल रहे हैं, प्लस 1 के गैप पे चल रहे हैं। तो सारे नंबर किस में चल रहे हैं, सीक्वेंस में चल रहे हैं। बट हमने जैसे यहाँ लिखा 1 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 15 आ गया, फिर मैंने कह दिया 28 आ गया, क्या यहाँ पे कोई सीक्वेंस है? नो सर, नहीं है। ये सिर्फ यस सर, यहाँ पे क्या है, सिर्फ डिसऑर्डरिंग है, कोई ऑर्डर नहीं है हमारे पास। तो जब हमारे पास प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, सीक्वेंस क्या होती है, प्रॉपर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ नंबर, या आप एंट्रीज बोल सकते हो, जो हमारे पास ये सारी एंट्रीज हैं, इनकी जो अरेंजमेंट होती है, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट भी बोल सकते हो आप इसको, कि वेल डिफाइंड जो अरेंजमेंट होती है इन सब की, वो सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस क्या होती है, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ एंट्रीज या नंबर, इज नोन एज सीक्वेंस। हाँ भाई, इससे ये डेफिनेशन क्लियर होती है क्या, कि प्रॉपर अरेंजमेंट होना नंबर का, वही सीक्वेंस होता है। यस सर, तो इसका मतलब यस सर, जो सीक्वेंस क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर, या वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर, या ऑर्डरिंग ऑफ अ नंबर, तो वो सारा हमारे पास क्या होता है, सीक्वेंस। तो आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा कि सीक्वेंस आपको ये गिवन है, सॉल्व करो, तो आप समझ जाना कि ये सीक्वेंस का क्वेश्चन है, तो एपी सीरीज से आया होगा। तो अब हम अपने एनसीईआरटी की ओर बढ़ते हैं भाई। देखो एनसीईआरटी में जो चैप्टर 5 है, उसके अंदर हमारे पास जो गिवन है, 3 वर्कशीट्स गिवन है, 5.1, 5.2 एंड 5.3। 5.1 में सिर्फ जो हम सीखेंगे, हम सिर्फ आइडेंटिफाई करना सीखेंगे फर्स्ट नंबर, डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं किसी एपी में, वो प्लस में हाउ टू मेक एन एपी, एपी कैसे हम फॉर्म करते हैं किसी भी क्वेश्चन में। 5.2 में हम क्या सीखेंगे, फाइंड द पोजीशन वैल्यू ऑफ एनी नंबर। लाइक कैसे, जैसे मैंने कहा कि 4, 3, 6, 9 एंड सो ऑन, आप ये बताओ कि
200 नंबर पे, 200 नंबर पोजीशन पे नंबर की वैल्यू क्या है? मैंने कहा कि जैसे अब हमारे पास ये सीक्वेंस चल रही है 3, 6, 9 एंड सो ऑन, तो मैंने कहा जब ये नंबर, जैसे ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, अब मैंने कहा कि 200 नंबर पे नंबर की वैल्यू क्या आएगी, एपी की वैल्यू क्या आएगी, इस टाइप के क्वेश्चन हम फाइंड करेंगे 5.2 में। 5.3 में हम सम करेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर होंगे उन सभी का सम फाइंड करेंगे। जैसे हमें कह दिया 1+2+3 एंड सो ऑन 10 तक है, तो आपको कहेगा फाइंड द सम ऑफ S10, S10 बताओ कितना आएगा, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से कैलकुलेट करके बता सकते हो कि ये इतना आएगा। आपको उंगलियों पे जोड़ना नहीं पड़ेगा 1+2+3, 3+3+6, ऐसे हमें नहीं जोड़ना, हम डायरेक्ट फॉर्मूला से बता सकते हैं। 1 to 10 तक का तो आप बता दोगे, मैंने यहाँ पे 1000 लिख दिया तो आप गिन ही नहीं पाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे 5.3 में। तो हमारे चैप्टर्स में ये 3 ही वर्कशीट है भाई इसमें, और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है एपी सीरीज। तो करें भाई स्टार्ट, पता चल गया हम क्या क्या पढ़ेंगे, बताओ भाई। यस सर। ठीक है भाई, अब अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। देखो फर्स्ट वन हम देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर आपको मैं 5 टर्म सिखा रहा हूं, वो 5 की 5 टर्म आपको अच्छे से आनी चाहिए, ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो सीखो, जहां पे भी ए गिवन हो, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। नेक्स्ट आता है डी, ये क्या होता है कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। ये क्या होता है कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। नेक्स्ट आता है एन, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। नेक्स्ट आता है एन, एन होता है पोजीशन वैल्यू ऑफ nth टर्म, पोजीशन वैल्यू ऑफ nth टर्म। नेक्स्ट आता है sn, sn होता है सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, SN होता है सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। ये 5 पॉइंट बताओ भाई, आया समझ में क्या लिखा है मैंने? किसी को कोई लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो, समझ में ना आया हो कि क्या है ये? फोर्थ अभी सिखाते हैं, पोजीशन वैल्यू ऑफ एन nth टर्म। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होती है भाई, फोर्थ पॉइंट में, कि ये क्या है an और n में। अब हम एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। देखो जैसे मैंने लिया एक एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया, इसके अंदर हम पांचों चीजें देखते हैं क्या है। ए कितना है भाई, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, कितना होगा ए बोलो भाई? सर 2 होगा, ए इज इक्वल टू 2, ठीक है। सेकंड क्या था, डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है 2, डिफरेंस 2 है सर, डिफरेंस। डेफिनेशन क्या था, 2 है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन
टू कंजिगेटिव टर्म्स ओपन है। तो वो जो डिफरेंस होगा, सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे डिफरेंस में भी करते हैं, आपको क्या करना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है ऑलवेज, सेकंड माइनस फर्स्ट करना है। तो यहां पे डिफरेंस कितना है आपको पता चल रहा है, प्लस टू का है। yes, बच्चे क्या करते हैं, ये देखो एक्चुअल में ये लिखा कैसे जाएगा, फोर माइनस टू कितना आएगा, टू। बच्चे क्या लिख देते हैं, टू माइनस फोर और इज इक्वल टू माइनस टू। तो ये चीज माइनर मिस्टेक यहाँ पे डेफिनेटली होती है बच्चों से। आपको हमेशा क्या करना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ऑलवेज, फर्स्ट टर्म। आया भाई समझ में? Yes, sir. देखो जैसे अब ये क्वेश्चन आया, माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस एट, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा इसमें भी क्या होगा बताओ, माइनस फोर माइनस फॉर्मूला में होता है और विद माइनस टू प्लस टू हो जाएगा, फिर वो माइनस फोर प्लस टू टू कितना आएगा, माइनस टू। ठीक है, अब बच्चे सोचते हैं कि हमने गलत निकाला है, यहाँ पे डिफरेंस तो लग रहा है प्लस टू का, तो वो क्या कर देते हैं, एक बच्चों का माइंड देखो कहाँ स्ट्राइक करता है, अभी मैं बताता हूँ एक एरर हो, सबसे बड़ा एरर कहाँ आता है वो भी ऑब्जर्व करना। देखो जैसे मैंने लिखा फोर टू जीरो माइनस टू माइनस फोर, इसमें डिफरेंस बताओ क्या आएगा सर, माइनस टू। माइनस टू आएगा, बच्चे क्या करते हैं, फोर माइनस टू, हमेशा हम सोचते हैं लार्जर माइनस स्मॉलर, बट यहाँ पे ये जो एपी है वो डिक्रीजिंग एपी है, टर्म डिक्रीज हो रही है ना बार बार, तो इसीलिए जो डिफरेंस होगा वो हमेशा फॉर्मूला ध्यान रखो, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड टर्म टू और फर्स्ट टर्म फोर, तो कितना आएगा डिफरेंस, माइनस माइनस टू। तो भाई डिफरेंस आया समझ में? यस सर। अब थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट होता है एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया इसमें ये बताओ 14 तक कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, सेवन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, सेवन। क्लियर है भैया तक? यस सर। अब क्वेश्चन फोर्थ में क्या था, एन। अब मैंने कहा कि मैंने इसको डेफिनेशन में क्या कहा था, पोजीशन वैल्यू ऑफ एनएच टर्म, यहाँ मेरे पास सेवन, एन कितने भाई मेरे पास सर, सेवन सेवन। तो ये क्या बन जाएगा, ए सेवन। ए सेवन में क्या हो जाएगा, पोजीशन वैल्यू ऑफ सेवेंथ टर्म ए सेवन होगा, तो क्या आएगा, ये पोजीशन वैल्यू ऑफ सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म की पोजीशन वैल्यू क्या है इसमें, 14। तो इसपे पोजीशन वैल्यू का आंसर कितना आएगा, 14। बताओ भैया आया समझ में? यस सर। यहां तक बताओ कोई डाउट है क्या, कोई डाउट? नो सर नहीं है। अब एस सेवन, एस एन था, एस एन क्या था, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अब
एन कितना है हमारे पास? सेवन. तो एस सेवन हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स. तो एस सेवन कितना हो जाएगा फर्स्ट सेवन टर्म का सम. कर दो सम. कैसे करेंगे? टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट प्लस टेन प्लस ट्वेल्व प्लस फोर्टीन. ये हो जाएगा फिफ्टी सिक्स. अरे ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये समझ में आया क्या फॉर्मूला मतलब क्या है, मतलब सेंस क्या है इसकी. यस सर. यस सर. कैलकुलेशन कर लोगे इन पांच पॉइंट्स में? कोई डाउट? नो सर नहीं है. करें फिर स्टार्ट चैप्टर करें. यस सर. यस सर. तो आओ अब हम क्वेश्चन को देखते हैं इसके ऊपर. जैसे 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं भाई. देखो जैसे मुझे एक क्वेश्चन दिया टू 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 एंड सॉ. उसने क्वेश्चन में कहा फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. निकाल सकते हो? यस सर. यस सर. आएगा फर्स्ट टर्म का टू है. फर्स्ट टर्म टू डिफरेंस 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 भी टू में. जीरो आएगा ना? यस सर. यस सर. ठीक है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है. थ्री बाई टू वन बाई टू वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू. यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस? थ्री बाई टू. थ्री बाई टू ए और डिफरेंस वन. वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू माइनस वन. माइनस वन और अभी भव्य बोल रहा था वन. बताओ ये समझ में आया फर्स्ट टर्म और डिफरेंस कैसे निकालेंगे? यस सर. आ गया. ठीक है अब हम नया पॉइंट सीखते हैं. देखो अब हमें इसका रिवर्स गिवन है कि हमें क्वेश्चन गिवन है कि ए इज इक्वल टू 10 और D is equal to 10. Find AP. देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन है. अब थोड़ा मैं पहले कंसेप्ट सिखाता हूँ इसका. कंसेप्ट देखो सबसे पहले आपने जितनी भी अभी तक AP देखी उसमें फर्स्ट टर्म क्या होती थी? ए. फर्स्ट टर्म क्या होती थी? ए. सेकंड टर्म जैसे हमने कह दिया फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म क्या ए प्लस बी होती थी? यस. हाँ भाई. जैसे यस सर. टू कॉमा टू कॉमा टू था भी लिया हमने. ए तो कितना था? टू. तुमने कहा था और डी है जीरो. तो टू प्लस जीरो आएगा तो ये आएगा. इसके बाद नेक्स्ट टर्म में क्या होता था? इसके अंदर कितना जोड़ना है? डी और जोड़ना है. हाँ भाई. थर्ड टर्म यही होगी क्या? सेकंड टर्म में डिफरेंस और जोड़ दिया मैंने. बोलो भाई. सर. फोर्थ टर्म क्या होगी? जो थर्ड टर्म है उसमें एक डी और जोड़ दिया एंड सॉल्व यही बनेगी ना एपी. यस सर.
इसको अगर हम प्रॉपर लिखे तो ये बन जाएगा a प्लस बी a प्लस डी a प्लस टू डी हो गया ये a प्लस थ्री डी और ये क्या हो गया a प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। यहाँ तक बताओ आया समझ में? यस सर। एक बार आप इसे बता दो। देखो फर्स्ट टर्म a है तो सेकंड टर्म क्या होगी उसमें डिफरेंस ऐड होगा ना फर्स्ट टर्म में। यस सर। फिर जो सेकंड टर्म आएगी जैसे एग्जांपल लो जैसे मैंने लिया 1 2 3 4 5 का अगर मैंने कहा a 1 है और d भी कितना है सर बट क्या हो रहा है पहले a आ रहा है यस सर d प्लस कर रहे हैं तो 2 आ रहा है फिर जो टू आया टू मेरे पास क्या आया 1+1 यस सर इसमें हम क्या प्लस करेंगे फिर अगेन डिफरेंस यस सर तो या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख दो बट इस स्टैंडर्ड में तो हमारे पास वैल्यू ही नहीं है यस सर उससे नेक्स्ट क्या आएगा अगर जो हमारे पास उससे पहले वाली टर्म है इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा सर प्लस 1 आया समझ में? यस सर आ गया। तो अब यहाँ पे देखो ये डिफरेंस हमें पता चल रहा है फर्स्ट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है जीरो है फिर डिफरेंस की वैल्यू बढ़ती जा रही है 1d 2d 3d 4d एंड सो ऑन। बताओ भैया आया समझ में? यस सर। अब लिखो देखो अब हम पोजीशन पे बात करते हैं ये वाली टर्म की कौन सी नंबर पोजीशन है फर्स्ट हाँ भाई ये फर्स्ट पोजीशन है क्या फर्स्ट टर्म? यस सर। इसको मैंने कह दिया ये ए वन क्या है ये ए वन का मतलब क्या हो गया पोजीशन वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म यस सर हम nth लिखते थे यहाँ पे तो उसमें क्या आता था यही मतलब होगा क्या बताओ भाई a1 का ये कौन सी टर्म हो गई a2 ये a2 की क्या है पोजीशन वैल्यू और ये कौन सी टर्म हो गई A3 और ये A4 एंड सो ऑन। बताओ भैया आया समझ में? यस सर। अब देखो तुम्हें एक चीज ऑब्जर्व कराते हैं यहाँ से जो हमारे पास इन चार टर्म से एक बार इन चार टर्म को अच्छे से देखो क्या चल रहा है यहाँ पे क्या गेम प्ले हो रहा है अगर हम यहाँ पे nth टर्म बनाना चाहते हैं तो ये बताओ क्या बनेगी यहाँ पे इन चार टर्म को ऑब्जर्व करके देखो तुम्हें क्या ऑब्जर्व हो रहा है तुम्हें बता पाए तो बताओ भाई an टर्म क्या बनेगी मेरे पास यहाँ पे सर a की वैल्यू सर 1 वैल्यू मतलब आप एक जनरल फॉर्मूला में देखो क्या बन सकता है बताओ लगाओ दिमाग देखो ऑब्जर्व नहीं किया हमने देखो सर a प्लस n इनटू d बहुत बढ़िया आपने दिमाग को लगाया और कोई और कोई स्टूडेंट केशव बंसल अबे अर्पित कुछ तो बोलो नहीं लग रहा देखो यहाँ पे देखो ए वन है यहाँ पे कितना आ रहा है 0 एक कम आ रहा है डिफरेंस पे देखो क्योंकि ए तो सभी का सेम है ए तो सभी में चल रहा है तो मतलब ए एन में भी तो ए तो पक्का आएगा ये तो क्लियर है।
अब यहाँ पे वन आने से देखो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे टू आने से यहाँ पे कितना डी के आगे वन, यहाँ पे टू आने से डी के आगे कितना है थ्री, आने से डी के आगे टू है, यस सर, फोर आने से डी के आगे कितना है सर थ्री। क्या ऑब्जर्व किया चार्ट में, अगर यहाँ पे 10 आएगा तो ये पक्का क्लियर है कि a प्लस 9 डी होगा। बोला भाई यस सर होगा ना। यहाँ पे इसका मतलब n आने से ये भी पक्का क्लियर है कि ये वाली टर्म n माइनस 1 इंटू डी होगी। बोलो भाई ऐसा क्लियर है या नहीं है, डाउट है तो पूछो। सर वापस बताना एक बारे वाले एन एन से थोड़ा और हम बात करते हैं इसपे। देखो जैसे मैंने कहा ए वन मेरे पास कितना आ रहा था है ना, ए प्लस जीरो, ए टू ए प्लस थ्री, ए प्लस डी, ए थ्री कितना आ रहा था ए प्लस टू डी, ए फोर ए प्लस थ्री डी, ए टेन कितना आएगा A प्लस 90, A प्लस 90, A 100 कितना आएगा A प्लस 99, यहाँ तक बताओ आया समझ में? अगर यस सर आप ये बता सर आ गया कितना आएगा A प्लस 99, A 237 कितना आएगा सर A प्लस 236 डी, कम हो रहा है ना हर बार देखो। यस सर इसलिए ये क्या बनेगा एन माइनस वन इंटू डी। इस चैप्टर में सिर्फ दो फॉर्मूला है जिसमें से एक फॉर्मूला ये मैंने अभी बना दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आया समझ में? यस सर आ गया। 5.1 और 5.2 इसी के ऊपर होगी कंप्लीट, कोई अदर फॉर्मूला आएगा ही नहीं आपके बीच में। ओके सर चले आगे। यस सर देखो अब हम एक क्वेश्चन सिखाते हैं कि एपी कैसे हम जज करेंगे कि वो एपी है या नहीं है। अभी आपने एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म देखी, क्या बताई थी मैंने ए ए प्लस डी डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी एंड फॉर ये है। यस सर क्या इसको हम ये कह सकते हैं ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एंड फॉर। यस सर इससे क्या होगा a1 a के इक्वल है sir. तो कभी भी कंफ्यूज मत होना a1 और a में दोनों सेम होते हैं, a1 और a क्या होते हैं दोनों सेम टेंस नहीं है। आप देखो जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 2, 4, 8 और 16 ये क्वेश्चन लिया मैंने, तो यहाँ पे ये देखो कि क्या ये ap है या नहीं है। नहीं है सर, हम ये चेक करते हैं देखो ए मैंने टू ले लिया ए टू सर डिफरेंस क्या आएगा सेकंड टर्म माइनस टू फर्स्ट टर्म टू। यस सर अगर हम एपी बना रहे हैं तो ऊपर वाली बनेगी ये स्टैंडर्ड फॉर्म एपी की, अभी डिस्टर्बेंस हुई स्टैंडर्ड फॉर्म है बनाओ पहला ए
सेकंड क्या आएगा ए प्लस बी डी से नेक्स्ट क्या आएगा ए प्लस टू इंटू डी नेक्स्ट क्या आएगा ए प्लस थ्री इंटू डी डी एंड सो ऑन ये चलेगा यस सर तो देखो ये टू आ रहा है ये कितना आ रहा है फोर यहाँ पे टू प्लस फोर कितना आएगा सिक्स सिक्स तो हम यहाँ सिक्स लगा रहे हैं उससे नेक्स्ट कितना आ रहा है एट टेन ये वाली टर्म आनी चाहिए ना क्या क्वेश्चन में यही टर्म yes, क्या क्वेश्चन में यही टर्म है नो सर ये एपी नहीं है इट मीन्स ये एपी सीरीज नहीं है बताओ भैया आया समझ में यस सर एक एग्जांपल और ले रहे हैं बताना सभी करो और बताओ क्या वो एपी है या नहीं देखो क्वेश्चन क्वेश्चन है टू फाइव बाई टू थ्री सेवन बाई टू बताओ क्या ये एपी है या नहीं है अरे सभी स्टूडेंट सर है और कोई सर कर रहे सर है ये पी पी है सर है और होमवर्क है मैं एक बार होमवर्क बता रहा हूँ कल का कल हम डाउट करेंगे पेज नंबर 99 है पेज नंबर एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 2 करना है कंप्लीट क्वेश्चन 3 करना है और क्वेश्चन 4 करना है तो रिकॉर्डिंग भेज देना 23 क्वेश्चन है टोटल रिकॉर्डिंग ओके सर ये बताओ ये समझ में आया यस सर देखो ए टू ठीक है आएगा फाइव फाइव बाय टू माइनस टू माइनस टू कितना एलसीएम आएगा टू ओ वन बाय टू आ जाएगा अब इसको एपी में बनाओ क्या बनेगा सर इसमें a प्लस टू डी नहीं बन रहा देखो a a प्लस डी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है यस सर तो a कितना था मेरे पास टू तो यस सर फ्रेंड्स कितना आया वन बाय टू a प्लस बन रहा है सर टू ये बनेगा यस सर टू टू एलसीएम फोर प्लस वन वन ये कितना आ रहा है टू से टू कैंसिल टू प्लस वन टू प्लस थ्री बाय टू ये कितना आ रहा है टू फाइव थ्री एलसीएम ले लो यहाँ पे फोर प्लस थ्री कितना आ रहा है क्या यही चारों टर्म गिवन थी यस सर ठीक है भाई आप अगर आपको कह दे ए फाइव फाइंड करो कर दोगे ए फाइव यस सर ओके ए प्लस फोर डी ए बी है हमारे पास फोर इंटू डी बी है हमारे पास सॉल्व कर दो टू प्लस टू कितना हो जाएगा
ऐसे ही आपको कोई भी नंबर पूछे फाइंड कर सकते हो। बताओ भाई, जैसे मैंने कहा a ऑफ 2000 बताओ, कर दोगे? कैसे करोगे? दादा हो जाओ a प्लस इनटू d a b d b a सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। थैंक यू। ओके सर। सर सर रिकॉर्डिंग भेज दोगे? रिकॉर्डिंग पवन सर से मांग लो, वो दे देंगे, मैसेज डाल दूंगे। ठीक है कोमल? ओके सर। ठीक है।